कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाले इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश भदौरिया का कहना है कि नए साल 2021 में अब इंडेक्स ग्रुप कोविड वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह तैयार है और केंद्र सरकार व प्रशासन के साथ सामंजस्य बैठा कर ये अहम जिम्मेदारी तय करने में जुटा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूरी दुनिया को हिला देने वाले कोविड-19 वायरस से जंग लड़ने में जब जब भारत के एक ऐसे चेहरे की बात आती है तो कई ऐसे चेहरे हमारे सामने निकल कर आते हैं जो न केवल समाज की सेवा की भावना को परिलक्षित करते हैं बल्कि सही मायनों में कोरोना वॉरियर्स भी कहलाते हैं। और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें तो मिनी मुंबई का इंडेक्स मेडिकल कॉलेज भी इन्हीं तमाम फहरिस्त में से एक था और ऐसे में इन तमाम भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो कि चेयरमैन श्री सुरेश सिंह भदौरिया जी का था। सीधे हम उनसे मुखातिब होंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस कोरोना काल की तमाम चुनौतियों को उन्होंने कैसे पार किया, कैसे तमाम मरीजों को सही समय पर सही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई और सरकार के साथ सामंजस्य बिठाकर कई मरीजों को ठीक करके उनके घरों तक पहुंचाया। चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। नए साल की बेला में हम बात कर रहे हैं, कोरोना काल की ये चुनौतियाँ कैसे आप याद करते हैं, कितना मुश्किल ये वक्त था और कैसे समाज की सेवा का बीड़ा आपने उठाया? बहुत मुश्किल समय था और ये हम मार्च से ही देख रहे हैं। एकदम से हमको माननीय कलेक्टर साहब का आदेश हुआ कि हमको कोरोना में आपका हॉस्पिटल चाहिए और हम उसको सेंटर बनाएंगे। एकदम से 100 पेशेंट आ गए और एकदम से हड़कंप मच गया। ये उस समय का काल था कि जब कोरोना के एक पेशेंट से मरीज कम से कम एक फल्लांग या दो फल्लांग दूर भाग जाता था, मोहल्ले खाली कर देते थे। उस समय पर हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारी नर्सिंग डिपार्टमेंट ने, हमारे सुपरिटेंडेंट ने, डीन ने, सबने बीड़ा उठाया और उन सब पेशेंटों को ठीक किया और धीरे धीरे मोटिवेटेड करते हुए करीबन 6000 पेशेंटों को हम लोगों ने ठीक कर दिया। हालांकि कुछ कैजुअल्टी हुई, वो बहुत कम हुई है। इन सब के बीच में हमारे यहाँ एक गलत इंसिडेंट ये हुआ कि हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो दिन रात कोरोना पेशेंटों की सेवा कर रहे थे वो एक्सपायर हो गए, वो भी कोरोना के पॉजिटिव हो गए थे, वो एक्सपायर हो गया। बाकी हमारे यहाँ की मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, हमने सबसे ज़्यादा मरीजों को ठीक किया है और आगे भी करते रहेंगे। और अब तो हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि हमारे डॉक्टर लोग और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से डरते ही नहीं है, कोरोना को डराता है और कोरोना को भगाता है। और आने वाले टाइम में हम और अच्छी सेवा करते हैं और करते रहेंगे, मोदी जी के निर्देशन में, माननीय शिवराज सिंह जी के निर्देशन में और माननीय कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी के निर्देशन में हम पूरा शासन के गाइडलाइन को पूरा करते हुए ये सब काम कर रहे हैं। बदौरे साहब, किस तरह से आपने इस कोरोना काल की तमाम चुनौतियों को तो गिनाया, लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया था कि जब पूरा देश लॉकडाउन के साए में था और जब मरीजों की तादाद जो है लगातार बढ़ रही थी, ये जो चैलेंजिंग टाइम था, इस समय आपने कैसे अपनी टीम को मोटिवेट किया? क्योंकि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज उन तमाम निजी मेडिकल कॉलेज में से एक था जिसने बाजी मारी और रिकवरी रेट में भी जो है हमेशा से इंडेक्स को आगे देखा गया। कैसे आपने मोटिवेट किया, टीम को कैसे लीडरशिप दिया? मैंने उनको समझाया, देश में अपने मिलिट्री के लोग, जवान लोग देश में वहाँ लड़ते हैं, हिमाचल बर्फ़ पे लड़ते हैं, माइनस डिग्री के उसमें लड़ते हैं, आपको तो यहाँ देश की सेवा करना है। जो जज्बा है, जो डिग्री ली है आपने, जो पढ़ाई की है आपने, उसको इस समय करके दिखाने का मौका है। और उनको ये तरह से मोटिवेट किया तो उनमें एक तरह से जुनून पैदा हो गया कि हमको सेवा करनी है। तो वो दिन रात कोई नहीं देखते हुए पूरा देश सेवा करते रहते थे। उनको ट्रीटमेंट ली, सेवा की है, फिजियोथेरेपी से सेवा की उनकी, फिजिकली मेंटली हर तरह से सेवा की, उनको साइकेटिक ट्रीटमेंट भी दिया, फिजियोथेरेपी दिया, योगा सिखाया, हर तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जिससे कि वो उनका माइंड ही नहीं भटके, कोरोना से डर ही नहीं लगे। और शासन और उनके ICMR के मार्गदर्शन के हिसाब से हम काम करते रहे हैं और आगे भी कोशिश है कि हम करते रहेंगे। बीइंग अ चेयरमैन, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते, ये दौर के जो पुराने साल के कई ऐसे ख्यालात हैं जो कि आपको नए साल में भी याद दिलाएंगे, 2021 जो कि नया साल है, इसके लिए क्या नए संकल्प हैं और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र में क्या नए आयाम नए साल में छूने जा रहा है और कौन से संकल्प आपने तय किए? अब नए साल में तो अभी सबसे पहले एक संकल्प यही है कि वैक्सीन आने वाला है और वैक्सीन की हम लोगों ने पूरे, हमारे स्टाफ ने, हमारे डॉक्टर्स ने सारी तैयारी कर ली है और शासन से मिलके ही पूरी तैयारी कर रहे हैं। शासन ने जो नाम मांगे थे 10 डॉक्टर्स की टीम हमने बना के शासन को भी दे दी है और हमने अपना पूरा कोविड का सेंटर दे दिया है। इवन हमारे पास स्टोर की कैपेसिटी है, कोविड-19 का टेस्ट हमारे यहाँ होता है तो हमारे पास वो हमारे पेरिफेरल में हम पूरा उसमें कर सकते हैं और एक दिन में कम से कम 2000 टीके तो बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो ये पूरी तैयारी डॉक्टर्स की टीम के साथ हम लोग कर रहे हैं और हम सुनिश्चित कर लेंगे कि हमारे यहाँ से कोई कैजुअल्टी ना हो। सर, ये
माना जाए कि जिस तरह से आपने बाजी मारी है रिकवरी रेट के मामले में, वैक्सीनेशन में भी अग्रणी रहेगा इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और जनता की सेवा के लिए, मरीजों की देखभाल के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाएगा आने वाले नए साल में? हमारी कोशिश है, हमारा उत्साह है, हमारे डॉक्टर्स का उत्साह है और नर्सिंग का उत्साह को देख के हमें खुद आत्मविश्वास है, विश्वास है कि हम पूरी बाजी मारेंगे। शासन के निर्देश से, कलेक्टर साहब के निर्देश से, हम जो आदेश उनके यहाँ से होगा, जो वैक्सीनेशन का निर्देश होगा, उसको पालन करते हुए हम बाजी मार लेंगे और कम से कम मोर्टेलिटी को बिल्कुल 0% करते हुए इसको सफलतापूर्वक करेंगे। आपसे हमसे खास बातचीत के लिए, तो आप देख सकते हैं सुरेश भदौरिया जी हैं जो कि चेयरमैन हैं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के। न केवल इंदौर, न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि मध्य भारत में एक अलग मिसाल जो है इस कॉलेज ने पेश की है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में तमाम जिंदगियों को बचाने की दिशा में इस मेडिकल कॉलेज की भूमिका को सराहनीय माना गया है। आने वाले कल में जब वैक्सीनेशन शुरू होगा, तब भी उम्मीद की जा रही है कि सरकार के साथ तालमेल बैठाकर ये मेडिकल कॉलेज इंदौर जिले में अग्रणी भी साबित होगा और जो तमाम मरीज हैं उन्हें सही समय पर सही वक्त पर दवा यानी कि उनका वैक्सीन उन तक पहुंच जाए, इसकी भी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP News, इंदौर।